हेलो फ्रेंड, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ड से संबंधित टोटल यूज, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में लिखने में आपको भरपूर मदद मिले। जैसे आप देख रहे हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, या फिर व्हाट अबाउट, व्हाट फॉर, व्हाट इफ, व्हाट एल्स, या फिर व्हाट एवर मे हैपन, इन सभी का प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में या फिर रिटन में बहुत ही अधिक होता है। तो आज इन सभी का प्रयोग एक एक करके सेंटेंस बना करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल सही से समझ सकें और बेहतर तरीके से बोल सकें और लिख सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आए। और एक बात और कि आपको इसे ध्यानपूर्वक इसलिए देखना है कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करूंगा और देखूंगा कि आप कितना सही जवाब देते हैं। तो अगर आपका सही जवाब होता है या फिर गलत भी होता है, तो मैं आपको जरूर कमेंट करके बताऊंगा, ताकि आप इसे इम्प्रूव कर पाएं, सुधार कर पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको इस वीडियो अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, याद रहे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपसे जो भी सवाल पूछेंगे आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके, और एक एक करके पूरे सेंटेंस के साथ ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इट, क्या फर्क पड़ता है यदि। अगर आपको कहना है क्या फर्क पड़ता है यदि लोग मुझे गाली दे, अगर मान लीजिए ऐसा बोलना है, तो हम चलिए एक से शुरू करते हैं और आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना भी है। तो लिखते हैं सबसे पहले, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दे, लोग मुझे गाली दे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दे। एक बात तो याद रखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो गाली सुनने में टेंशन ही लेना होगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी आलोचना तय है, आपको गाली सुनना भी तय है। कुछ लोग, जिसे कहा जाता है कि हाथी चली बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग तो आपको परेशान करेंगे ही, क्योंकि वो जन्म से ही उस गुण को लेकर अवतरित हुए हैं। वो जन्म से ही वो गुण उनमें है लोगों को परेशान करने का, तो उनको आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। और चले इसे ट्रांसलेट कीजिए, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दे, इसे ट्रांसलेट कीजिए। देखिए यहां पर लिखा है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, तो हम लिखते हैं व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब क्या है यहां पर, इफ का प्रयोग करेंगे, इफ पीपल अब्यूज मी, इसका मतलब हुआ क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दें। अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बोलना है क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे आलोचना करें, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मेरी आलोचना करें, तो देख लीजिए इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, व्हाट डिफरेंस, इसे याद कर लीजिए, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ पीपल अब्यूज मी, या फिर यहां पर क्रिटिसाइज मी होगा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ पीपल क्रिटिसाइज मी, है ना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसे बोला जा रहा है कि क्या फर्क पड़ता है अगर लोग हमारी आलोचना करें, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दे, क्या फर्क पड़ता है तुम मुझे बुरा भला कहो, क्या फर्क पड़ता है तुम यहां से चले जाओ। तो जैसे मान लीजिए, अगर वही बोलना है कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुम यहां से चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहां से चले जाओ, तो हम कैसे इसे बोलेंगे, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ यू गो फ्रॉम हियर, इसका मतलब हुआ क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहां से चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहां से चले जाओ। तो इस तरीके से आप इस चीज को बहुत सारा सेंटेंस बना करके कमांड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर व्हाट अबाउट का प्रयोग कैसे करेंगे, व्हाट फॉर का यूज कैसे करेंगे, टोटल एक एक करके देख लेते हैं। व्हाट अबाउट का प्रयोग किसी से
को विचार लेने के लिए करेंगे, किसी का विचार लेने के लिए करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि एक कप चाय पीना कैसा रहेगा, एक कप चाय पीना कैसा रहेगा, किसी से पूछते हैं कि एक कप चाय पी लेंगे हम लोग तो कैसा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, सेकेंड रूल को देख लेते हैं। अगर कैसा रहेगा, इसका मीनिंग हुआ कैसा रहेगा, तो एक कप चाय पी लेना, एक कप चाय पी लेना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। अब क्या है कि इसे आप किसी से पूछ रहे हैं तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सभी में व्हाट अबाउट का प्रयोग कीजिए। व्हाट अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी, व्हाट अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पी लेना कैसा रहेगा। अगर आपको बोलना है कि यहां ठहरना, आज यहां ठहरना कैसा रहेगा, ये सब वैसा सेंटेंस है जो आप हम जो दिनचर्या में बोलने में काम में लाते हैं वही सब है। तो अगर आपको बोलना है कि यहां आज ठहरना कैसा रहेगा, यानी कि आज यहां ठहरना, यहां आज यहां ठहरना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। आप ये किसी से सजेशन ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, किसी की राय जानना चाह रहे हैं, किसी का विचार जानना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसी तरीके से व्हाट अबाउट स्टेइंग हियर टुडे, स्टेइंग हियर टुडे। अब ये राय विचार लेने के लिए व्हाट अबाउट स्टेइंग हियर टुडे, आज यहां ठहरना कैसा रहेगा। या फिर सिंपल में आप बात करते हैं कि फिल्म देखना कैसा रहेगा। जैसे आप हाउ अबाउट का यूज करते हैं विचार को लेने के लिए, किसी का विचार जानने के लिए, तो हाउ यहां व्हाट अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखना कैसा रहेगा। दोस्तों से पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, व्हाट अबाउट स्टेइंग हियर टुडे, व्हाट अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी। तो इस तरीके से किसी से विचार लेना हो सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट, उसके बाद वर्ब फोर का यूज करेंगे। व्हाट अबाउट के बाद वर्ब फोर का यूज करेंगे, बहुत आसानी से आप किसी के राय विचार को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम व्हाट फॉर का प्रयोग कैसे करें ये भी देख लेते हैं। व्हाट फॉर का प्रयोग क्यों करेंगे, व्हाट फॉर मतलब होता है किस लिए, किसके लिए नहीं होगा, किस लिए, तो आप किस लिए यह कर रहे हैं। अगर आपको कहना है कि आप किस लिए यह कर रहे हैं, आप किस लिए यह कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे What are you doing this for? कुछ अलग तरीके से है What are you doing this for? आप किस लिए यह कर रहे हैं, मतलब what for का प्रयोग तभी करें जब पर्पस जानना हो, वजह जानना हो, कारण जानना हो, उद्देश्य जानना हो, तो what for का यूज कीजिए। लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे आप किस लिए यह काम कर रहे हैं, अगर यही चीज को फिर से बोलना है कि आप किस लिए यह काम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आप किस लिए यह काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पर भी आप उद्देश्य को जानना चाह रहे हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क, आप किस लिए यह काम कर रहे हैं। फॉर व्हाट ये बोलने में आसान हो जा रहा है, लेकिन यहीं पर व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर, आप ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर जरूर होगा। लेकिन जहां स्पोकन की बात है, अगर आपको ये टेढ़ा लग रहा है, तो आप बहुत आसानी से फॉर व्हाट मतलब किस लिए, आर यू डूइंग दिस वर्क, यह काम को कर रहे हैं, तो इस तरीके से फॉर व्हाट का यूज कर सकते हैं। आप किस लिए वहां पटना जाते हैं, आप किस लिए यहां बैठे हुए हैं, आप किस लिए मुझसे बात कर रहे हैं, आप किस लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो अगर कहना है किस लिए, उद्देश्य को जानना है, तो फॉर व्हाट का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं व्हाट इफ का प्रयोग किस प्रकार करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं।
अब देखते हैं व्हाट इफ का प्रयोग क्यों करेंगे, ये जानना जरूरी है। व्हाट इफ का मतलब क्या होगा अगर, क्या होगा अगर तू परीक्षा में पास नहीं करोगे। तो फोर में यहां देख लेते हैं क्या होगा, क्या होगा अगर तुम, अगर तुम परीक्षा में पास नहीं करते हो, अगर तुम परीक्षा में पास नहीं करते हो, नहीं करते हो। और क्या है कि इसे आसान तरीके से इसी तरह बनाइए, व्हाट इफ का प्रयोग करके, व्हाट इफ, व्हाट इफ यू डोंट पास द एग्जामिनेशन, यू डोंट पास द एग्जाम। ये आसान तरीके से व्हाट इफ यू डोंट पास एग्जाम, व्हाट इफ के बाद एक फुल सेंटेंस का प्रयोग कर दीजिए। व्हाट इफ के बाद चाहे वो किसी टेंस का हो आप यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इफ यू डोंट पास द एग्जाम, क्या होगा अगर तुम परीक्षा में पास नहीं करते हो। तो दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि समझ में आए। अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है कि क्या होगा अगर आज वर्षा होगी, अगर बोलना है क्या होगा अगर आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। व्हाट इफ का प्रयोग देख लीजिए, व्हाट इफ इट विल रेन टूडे, व्हाट इफ इट विल रेन टूडे, बहुत आसान तरीके से रेन टूडे। व्हाट इफ, व्हाट इफ इट विल रेन टूडे, क्या होगा अगर वर्षा होगी। इसी तरीके से कुछ पूछना है, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्या होगा अगर वो आ गया तो, क्या होगा अगर तुम चले गए तो। तो इन सभी को पूछने के लिए व्हाट इफ का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इफ, क्या होगा अगर वह मर जाए तो, क्या वह होगा अगर वह जी जाए तो। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चले व्हाट एल्स का प्रयोग इसमें देख लेते हैं। व्हाट एल्स का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है और क्या। अगर आपको जानना है कि और क्या, जैसे तुम और क्या चाहते हो, अगर पूछना है, हम फाइव में देख लेते हैं, तुम और क्या चाहते हो, तो देख लीजिए तुम और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। व्हाट, यहां पर व्हाट लेस का प्रयोग जो है व्हाट मोर के लिए, व्हाट मोर का मतलब और क्या, तो इसीलिए व्हाट लेस देख लीजिए, तुम और क्या चाहते हो, तो याद कर लीजिए व्हाट इल्स, व्हाट इल्स डू यू वांट, What else do you want? तुम और क्या चाहते हो, तुम और क्या खाते हो, तुम और क्या बोलते हो। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है What else do you take? What else do you take? अगर किसी को कोई नाश्ता आपने दिया है, कुछ पूछा है पीने खाने के लिए, तो आप कह सकते हैं What else do you take? आप और क्या लेते हैं? What else do you take? आप और क्या लेते हैं? तो इस तरीके से What else का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग What ever may happen, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। What ever may happen, चाहे जो हो जाए मैं मैच जीत के रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं कार खरीद के रहूंगा। और देख लीजिए सिक्स में देख लीजिए What ever may happen, चाहे जो हो जाए, तो इसे कैसे बनाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं मैच जीत के रहूंगा, मैं मैच जीत कर रहूंगा। और इसे आपको ट्रांसलेट करना है, चाहे जो हो जाए मैं मैच जीत के रहूंगा। तो व्हाट एवर मे हैपन, याद कर लीजिए व्हाट एवर मे हैपन, व्हाट एवर मे हैपन I will win the match. I will win the match. क्या होगा यहां पर लिखा हुआ, चाहे जो भी हो जाए मैं मैच जीत कर रहूंगा। अगर आपको कुछ ही बोलना है, जो भी हो, जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं कार खरीद के रहूंगा। तो अगर इसे भी ट्रांसलेट करना है तो पहले देख लीजिए, चाहे जो हो जाए मैं कार खरीद के रहूंगा, कार खरीद के खरीद के रहूंगा। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप बताइए। तो इसके लिए भी देख लीजिए व्हाट एवर, व्हाट एवर मे हैपन, व्हाट एवर मे हैपन आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार, व्हाट एवर मे हैपन आई विल बाय अ कार, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कार खरीद के रहूंगा। अगर इसी तरीके से बोलना है, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ऐसा हो चाहे ओसा हो, मैं इस कार को करूंगा, तो आप व्हाट एवर मे हैपन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की, क्वेश्चन करने की। और
देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। चलिए अब यहां से पूछते हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, व्हाट डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है अगर, तो चलिए इसी को ट्रांसलेट करना है, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मेरी शिकायत करें, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मेरी आलोचना करें, आलोचना का यूज कीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मेरी आलोचना करें, आप इसे कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मेरी आलोचना करें। चलिए आपके जवाब का हम इंतजार करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।